इंग्लैंड की टीम ने सेमीफाइनल मैच में की थी बड़ी बेईमानी, अब पूरी दुनिया के सामने आई सच्चाई। अचानक से जो इंग्लैंड अपने 5 विकेट गवा देता था पहले ही 10 ओवर में, वो कैसे 170 रन तक खेलता रहा बिना कोई विकेट गवाए। तो जॉस बटलर एलेक्स हिल्स की बेईमानी देख पीएम नरेंद्र मोदी ने दोबारा से सेमीफाइनल मुकाबले को कराने पर जो कहा, सुनकर पूरा भारत देश खुशी से झूम उठा। तो दोस्तों आपको सब कुछ बताएंगे पीएम मोदी का ये बयान, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हो कि भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल खेले तो वीडियो को जरूर लाइक करना। और चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच में भारतीय क्रिकेट टीम को इंग्लैंड के खिलाफ 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। और दोस्तों इस मुकाबले में हम सभी ने देखा कि भारत की बल्लेबाजी फिर भी अच्छी थी, क्योंकि यहां पर विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 168 रन पर भारतीय टीम को ले जाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन एडिलेड ओवल में इंग्लैंड के 2 सलामी बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के गेंदबाजों की जमकर परीक्षा ली, और इस दौरान परीक्षा में कोई भी गेंदबाज पास हो नहीं पाया, क्योंकि यहां पर एक भी विकेट इंग्लैंड की टीम ने चटकाया नहीं। और पहले ही विकेट के लिए उन्होंने 170 रनों की साझेदारी को अंजाम किया और 170 रन बनाते के साथ तो उन्होंने मैच जीत लिया। तो वही दोस्तों ये सेमीफाइनल मुकाबला भले ही इंग्लैंड की टीम जीत गई, लेकिन आप सभी तो जानते ही हैं कि भारत के जहन में से ये हार निकल नहीं रही है, क्योंकि यहां पर आखिरकार जॉस बटलर और एलेक्स हिल्स ने मुकाबले को अकेले दम पर कैसे जिता दिया, इसका सवाल पूरी दुनिया भर में घूम रहा है। और हम आपको बता दें कि एक मौका ऐसा भी था जब जॉस बटलर और एलेक्स हिल्स आउट होने की कगार पर ही थे, और यह ओवर था 14वां ओवर, और इस ओवर में लगभग ऋषभ पंत ने एलेक्स हिल्स को आउट कर भी दिया था। लेकिन दोस्तों यहां पर एम्पायर का एक गलत फैसला और DRS ना होने की वजह से एलेक्स हिल्स बच गए और जॉस बटलर उसके अगले ही ओवर में बच गए थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि एलेक्स हिल्स 86 रन बनाकर पवेलियन नाबाद लौटे और जॉस बटलर 80 रन। हालांकि दोस्तों कुछ क्रिकेट प्रेमी इसको बेईमानी का अंजाम दे रहे हैं, तो वहीं कुछ क्रिकेट प्रेमियों ने यह तक कह दिया कि इंग्लैंड की टीम ने बेईमानी कर इस मुकाबले को जीता। लेकिन दोस्तों सच्चाई क्या है ये तो अब एम्पायर ही जानता है। लेकिन इसी बीच हम आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अब बड़ा बयान सामने निकल कर आया है, और उन्होंने ये बयान इस तर्ज पर दिया है कि अब भारत और इंग्लैंड का सेमीफाइनल मैच दोबारा से कराने की जो मांग उठ रही थी उस पर, क्योंकि भारत क्रिकेट प्रेमी देश है और यहाँ पर सेमीफाइनल मैच में हार का सदमा टीम इंडिया को तो लगा ही है और साथ में हमारे देश के नागरिकों को भी। और ऐसे में दोस्तों सभी ने ये मांग करी थी कि भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल मुकाबला दोबारा से होना चाहिए। अब इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ कर दिया है और कुछ ऐसा ऐलान कर दिया जिसको जानने के बाद आप भी खुशी से झूम उठेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पीएम मोदी जी कहते हैं कि ये खेल है, इसमें हार जीत होती रहती है। आप जब सेमीफाइनल या फिर नॉकआउट मुकाबलों में खेलने के लिए आते हैं तो आपके दिमाग में बस एक ही बात चलनी चाहिए और वो जीत की बात होनी चाहिए। अगर आप जीत को लेकर मायूस हैं और आपको डर है कि आप जीतेंगे नहीं तो आप 100% नहीं जीतेंगे। भारत ने भी यही किया, भले ही इंग्लैंड की टीम ने मैदान पर बेईमानी करी हो या फिर नहीं की इसका मेरे को पता नहीं, लेकिन पूरा भारत मांग कर रहा है कि दोबारा से भारत इंग्लैंड का सेमीफाइनल मुकाबला कराया जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा हो तो सकता है, लेकिन वो एक ही शर्त पर, जब किसी बात के पुख्ते सबूत हो। लेकिन अगर ये सबूत नहीं है तो मैं बस गुजारिश कर सकता हूँ ICC से कि वो ध्यान दे कि इंग्लैंड की टीम ने जो 14वें ओवर में किया वो गलत था या फिर उनके नियमों के तहत आता है। तो वहीं दोस्तों आगे पीएम मोदी बात करते हुए बताते हैं कि मैं हर खेल का आदर करता हूँ और क्रिकेट हमारी भावनात्मक खेल है, और मैं चाहता हूँ कि हम इस मुकाबले को भले ही हार गए अब हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमारी टीम इंडिया के खिलाड़ियों को सपोर्ट करना चाहिए जिससे कि वो आगे आने वाले विश्व टूर्नामेंटों में अच्छा प्रदर्शन कर सके। हमें हमारी टीम इंडिया, रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ियों पर पूर्ण रूप से विश्वास है और हम चाहते हैं कि अगर दोबारा सेमीफाइनल मुकाबला होगा तो हमारी टीम ही जीतकर फाइनल में प्रवेश करेगी। बाकी अब आप सभी की क्या राय है पीएम मोदी द्वारा दिए गए बयान के बारे में, और आप क्या मानते हो, क्या पीएम नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा या फिर गलत? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा।